इमेज निशान, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेनली चार कंसेप्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन उनमें से ही है क्या, एंड आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट है जो हमारे डेटा मेंबर्स एंड देन मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैपअप कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्लास होती है, क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे पास फील्ड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड देन कुछ मेथड्स होते हैं, एंड क्लास उन सबको क्या काम करती है, इनकैप्सुलेट करती है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आउटसाइड द क्लास कोई भी हमारी इस क्लास को एक्सेस ना कर पाए, इस क्लास को अल्टर ना कर पाए, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डेटा हाइडिंग। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपने मेडिसिन में देखा होगा कैप्सूल। सो कैप्सूल क्या काम करता है, एक लेयर होती है जो क्या काम करता है, मेडिसिन को इनकैप्सुलेट कर देता है, एंड देन उसको ना एक लेयर प्रोवाइड कराता है, एंड देन आउटसाइड द लेयर आप नहीं देख सकते कि उस कैप्सूल के अंदर क्या है। तो ऐसे ही इनकैप्सुलेशन में होता है, जैसे कि क्लास हो गई, क्लास के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या फंक्शंस कैसे यूज, कोई सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, हम उन सबको इनकैप्सुलेशन के थ्रू इनकैप्सुलेट कर देते हैं ताकि आउटसाइड द क्लास पता ना लग पाए कि हमारी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा स्कूल या ऑफिस बैग होता है। तो सपोज करो कि हमारा स्कूल या ऑफिस जो भी बैग है उसमें हमारे पास पेन होता है, पेंसिल होता है, हमारी नोटबुक होती है, लैपटॉप भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अंदर आपको जब भी कोई सामान चाहिए तो आपको उसको क्या काम करना होता है, उसको ओपन करना पड़ता है किसी भी सामान को एक्सेस करने के लिए। सेम वे में अगर आपके पास कोई क्लास है, एंड देन उस क्लास का कोई आपको प्रॉपर्टी या कोई फंक्शन अगर आपको एक्सेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन ऑब्जेक्ट बना के तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। डेटा हाइडिंग और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। सो डेटा हाइडिंग क्या होता है, एक हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या काम करते हैं, जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं या मेथड्स होते हैं, जो मेन मेथड्स होते हैं, हम उनको कई बार प्राइवेट डिक्लेयर करके, एंड देन क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को ना आउटसाइड द क्लास हाइड कर देते हैं। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग और डेटा इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम कर सकते हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, आपकी फील्ड्स और प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर दें, एंड देन आप उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज या मेथड्स को ना अपने क्या काम कर लें, क्लास में ही गेटर और सेटर मेथड्स बना लें, ठीक है। एंड देन उन गेटर और सेटर मेथड के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं, उन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज दी उन सबको गेट कर सकते हैं, एंड देन सेट कर सकते हैं। गेटर और सेटर का जो मेन फायदा होता है वो ये भी हो सकता है, लेट्स से कि आपने क्या काम किया, कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी किसी क्लास में, लेट्स से मैंने एक प्रॉपर्टी सेट कर दी अमाउंट, ठीक है। अब आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आप अमाउंट को सिर्फ प्राइवेट ना लेके पब्लिक ही ले, तो वो आउटसाइड दी क्लास उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा, एंड देन उसमें जो भी अमाउंट डालना चाहता है वो उसको वहाँ पे सेट कर पाएगा। बट अगर आपने उसमें गेटर और सेटर रख दिया तो आप वहाँ पे अपना यूजर वैलिडेशन भी लिख सकते हैं, राइट। लेट से आप चाहते हैं कि कोई जीरो से बड़ी वैल्यू रख पाए, ठीक है, तो वो सब वैलिडेशन भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब जो हम डेटा इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं या इसको अकम्प्लिश करते हैं, वो हम कर सकते हैं एक्सिस मॉडिफायर्स के थ्रू। तो सी शार्प में हमारे पास कुछ एक्सिस मॉडिफायर्स होते हैं जो हमारे बताते हैं कि उस क्लास की या उस क्लास के अंदर जो हमारे पास फील्ड्स, प्रॉपर्टीज या मेथड्स हैं, उनका एक्सिस कहाँ पे है, कौन फील्ड्स मेथड्स को यूज कर सकता है। तो हमारे पास कुछ होते हैं जैसे कि पब्लिक। पब्लिक क्या काम करते हैं कि अगर लेट्स से कि आपने कुछ फील्ड्स पब्लिक डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आप जहाँ पे भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना गए तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं आप उनको विद इन अ क्लास ही यूज कर सकते हैं, आप आउटसाइड द क्लास उनको यूज ही नहीं कर सकते। जो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको आप विद इन अ क्लास यूज कर सकते हैं और विद इन अ चाइल्ड क्लास। लेट्स से अगर एक क्लास ए है एंड देन एक क्लास बी है, और क्लास बी में आप क्या काम कर सकते हैं, उन क्लास ए के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुए हैं। इंटरनल को हम क्या काम कर सकते हैं, विद इन सेम असेंबली यूज कर सकते हैं, देन प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है। प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या काम कर सकता है कि हम विद इन सेम असेंबली और विद इन ड्राइव क्लास उनको एक्सेस कर सकते हैं। देन ऐसे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इसको हम क्या काम कर सकते हैं, विद इन अ क्लास और विद इन अ ड्राइव क्लास विद इन सेम असेंबली, ठीक है, उसके अंदर इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग को गेटर और सेटर के थ्रू हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हम मैंने क्या काम किया, एक बेसिक एग्जांपल लिखा है कोड में, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ।
तो मैंने एक बैंक के नाम से क्लास बना लिया, और उस क्लास में मैंने क्या काम कर लिया, एक फील्ड ले लिया, ठीक है, और वो फील्ड ले लिया है अमाउंट, एंड देन मैं चाहता हूँ कि कोई उसको कोई भी वैल्यू उसको ऐसे ही ना सेट कर पाए, तो मैंने क्या काम किया है उसके लिए एक गेटर और सेटर भी लिख लिया है, ठीक है, एंड देन मैंने अमाउंट को क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया, मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड द क्लास किसी को पता लगे कि मेरी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इसकी वजह से मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लास को बाहर से मिसयूज होने से बचा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बैलेंस गेट करना है या सेट करना है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, जो गेटर और सेटर मेथड है ना, गेट बैलेंस एंड देन सेट बैलेंस, आप उनको कॉल कर सकते हैं, वो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। इसका मतलब ये है कि जो मेरी मेन प्रॉपर्टी है अमाउंट, सो आउटसाइड द क्लास उसका आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिल पाएगा। वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करके एंड देन जो गेटर सेटर लिखते हैं उसका फाइनली एडवांटेजेस क्या है, सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, सपोज करो आप कोई फंक्शनैलिटी लिख रहे थे किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, सो पहले वो चाह रहा था कि आपने एक क्लास बनाई उसमें कोई फील्ड है, ठीक है, एंड देन कोई भी यूजर आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करके कोई भी वैल्यू सेट कर सकता है, बट आपने क्या काम कर दिया, अब आप चाहते हैं कि एक आप वहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन चाहते हैं, जैसे कि वो वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या आप चाहते हैं कि वो निगेटिव वैल्यू ना हो, या आप चाहते हैं कि वो कोई इवन नंबर हो या कोई ओड नंबर हो, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, वैलिडेशन पुट करना पड़ेगा, बट आप वैलिडेशन कैसे लगा पाएंगे, वो तो लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट डिक्लेयर करके हम गेटर और सेटर लिखेंगे, एंड देन गेटर और सेटर में हम क्या काम कर सकते हैं, वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन इसका फायदा ये भी होता है कि लेट से अभी क्लाइंट को सिर्फ ये वाला वैलिडेशन चाहिए था, एंड देन अगर वो चाह रहा है कि गेट के टाइम पे कोई और वैलिडेशन हो या सेट के टाइम पे कोई और वैलिडेशन हो, तो बाद में हम उस वैलिडेशन को चेंज भी कर सकते हैं। और एडवांटेजेस भी होते हैं इसके इनकैप्सुलेशन के, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। तो आप क्या काम कर रहे हैं, लेट्स से जब भी किसी फील्ड में या वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, उससे पहले आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक वैलिडाइट डेटा ही स्टोर होगा। आप डेटा हाइडिंग को अचीव कर सकते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि आपकी क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाकी सब क्लासेस से हाइड रहेगी। सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी क्लास आउटसाइड द क्लास आपके डेटा को, मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, इसका मतलब कि वो मोर सिक्योर है। ऐसे ही वो फ्लेक्सिबल भी होगी, फ्लेक्सिबल ये होगी कि आप क्या काम कर सकते हैं, जो आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है गेटर सेटर मेथड में, आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसको एक बार कोड से समझ लेते हैं। एक इनकैप्सुलेशन, मैंने क्या काम किया, एक बैंक के नाम से क्लास बनाई है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ले ली है बैलेंस, जो कि किस टाइप की है, डबल टाइप की है, ठीक है, एंड देन मैंने क्या काम किया, इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया, इसका मतलब प्राइवेट है तो हम सिर्फ इसको विद इन अ क्लास ही यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास इसका कोई स्कोप नहीं है, कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और मैंने यहाँ पे गेटर और लिख दिया है कि एक मेथड है गेट बैलेंस, अगर आपको जब भी बैलेंस चाहिए तो आप गेट बैलेंस मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम इस बैलेंस को रिटर्न कर देंगे। ऐसे मैंने एक सेटर लिख दिया है, ठीक है, सेट बैलेंस, अगर आपको उस बैलेंस की कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी तो आप उसको यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं कर सकते हैं, एंड देन आपको कोई भी वैलिडेशन देना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको सबसे पहले एक बार समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं, तो मैं प्रोग्राम कोड सी एस में जाता हूँ एक बार। तो मैंने भी यहाँ पे बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना लिया है, एंड देन बैंक में मैंने बैलेंस सेट कर दिया जो कि 500 है, एंड देन मैं उसी को गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया था, बस सिर्फ गेटर और सेटर लिखे हैं, तो एक बार ही देख ला रहा हूँ कि फिर से चलाता हूँ। आई थिंक अभी कहीं और पे भी इशू है, बेस कीवर्ड डॉट सी एस मेथड ओवरराइडिंग डॉट सी एस, कुछ कुछ जगह
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 500 ही आ गया। तो मैंने जो बैलेंस सेट किया था वही उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब समझते हैं कि अगर हम इनकैप्सुलेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाई है इफ डू नॉट फॉलो द इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक अमाउंट है, ठीक है, तो मैं इस अमाउंट को क्या काम कर सकता हूँ, मैं इस क्लास का भी एक बार ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसको भी समझते हैं। तो मैंने क्या काम किया, एक सेकेंड, इफ डू नॉट फॉलो इनकैप्सुलेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन यहाँ पे जो अमाउंट सेट किया वो निगेटिव अमाउंट सेट कर दिया, ठीक है, -250, एंड देन फिर मैं उसी को प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसने माइनस का अमाउंट ही सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकैप्सुलेशन को फॉलो करूँ, और फॉलो करते हुए मैं गेटर सेटर मेथड लिखूं, एंड देन गेटर सेटर मेथड में भी मैं क्या काम कर दूं, वहां पे एक लॉजिक लगा दूं। लॉजिक क्या है इस बार, कि मैंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली अमाउंट, एंड देन एक गेटर लिख दिया गेट अमाउंट, एंड देन मैंने एक सेटर लिख दिया, और सेटर में मैंने क्या काम किया, वैल्यू सेट करने से पहले यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि जो भी मैं अमाउंट सेट करने जा रहा हूँ वो 0 से बड़ा होगा तो सेट करेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा कि प्लीज पास अ पॉजिटिव वैल्यू। सो अब इसको भी देखते हैं, तो फिर से प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाके इसको एक बार समझते हैं। तो मैं इसको अभी कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ, ये हम समझ चुके हैं, एंड देन हम जाते हैं अभी वी फॉलो इन कैप्सुलेशन, राइट, आप यहाँ पे सेट अमाउंट करने जाते हैं 0, ठीक है, तो देखते हैं ये एरर देगा या क्या करेगा, और इसको 2 बार कॉल कर देते हैं, या पहले भी ऐसे ही करता है, ठीक है। सो ये एरर देगा बिकॉज हमने चेक लगाया हुआ है कि जो हम अमाउंट सेट कर सकते हैं वो 0 से बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया कि प्लीज पॉजिटिव वैल्यू को पास कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे कि आप क्या काम कर सकते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपकी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख सकता है, एंड देन उसको क्या काम करना पड़ेगा, जब आपने डेटा को भी वैलिडेट कर लिया है तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके क्लास में या डेटा वेरिएबल्स में सेव नहीं कर सकता। एक बार इसको फिर से चला के देखते हैं कि अगर मैं राइट वैल्यू देता हूँ तो क्या वो काम करेगा या नहीं। अच्छा, मैं दे देता हूँ 10, सो इस बार ये काम कर गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होती है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।